लोगों ने ताना देना चालू कर दिया कि रे मीरा तू पगली हो गई है, तू रविदास के यहाँ जाती है, छोटी बिरादरी वाले के पास जाती है, अगर तुझे प्रेम ही करना है तो किसी ऊंची बिरादरी वाले से कर। मीरा जी ने जवाब दिया कि दुनिया के लोगों, मीरा मछली है, मैं मछली हूँ, और आप सभी जानते हैं मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है। मीरा ने कहा कि दुनिया के लोगों, मीरा मछली है और मेरा गुरु, मेरा रविदास मेरा समंदर है, मेरा दरिया है, मेरा पानी है। मैं पूरी दुनिया छोड़ सकती हूँ लेकिन अपने गुरु रविदास को नहीं छोड़ सकती। एक बार बाबा रविदास के नाम पर जोरदार तालियां हम सभी बजाएं। तब मीरा जी के परिवार वालों ने ही उन्हें जहर दे दिया पीने के लिए, और जहर का कटोरा लेकर के मीरा जी होठों से लगाती है और आंखों से आंसू गिर रहे हैं। उसी वक्त का एक भजन है, हमारे श्याम सुंदर जी जैसे एक भगत पहुंचते हैं और कहते हैं, रे मीरा काहे तेरी अखी ये पानी, मीरा तेरी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, क्योंकि तू तो प्रेम दीवानी है, तू तो गुरु की दीवानी है। कैसे कहते हैं कि काहे तेरी अखी यो में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, प्रेम दीवानी किसका प्यारा,
भारी मुखिया पद के प्रत्याशी हमारे बड़े भाई सुनील पासवान जी, जो इंदौर के मुखिया पद के प्रत्याशी हैं। भोजपुरी भाषा बलिया से हम आ बलिया वाला भाषा में आप सब लोग के कह दी, और अपना मुखिया जी के भी कह दी कि फर्क नहीं रह रहा, आप फुलाक नहीं रह रहा। और हमने के मास्टर साहब जगजीवन जी धर्मपुरा से कि फरत रहे रोड़ा, आप फुलाक रहे रोड़ा, ऐसे ही हमारा सोझा बैठल बैठल खाली मुस्कुरात रहे रोड़ा। जंगने बाढ़ में गंगा जी बढ़िया ली, वहीं में रह रही बढ़िया रहे रोड़ा मुखिया जी। और आप सभी लोगों के लिए कहना चाहूंगा साहब कि हर दर्द का इलाज नहीं होता है दवा खाने में, हर मर्ज का इलाज नहीं होता है दवा खाने में, और हमारे कुछ दर्द तो ठीक हो जाते हैं आप लोगों के कुछ पुराने मिला के कह रहे हैं मिला हस्ती के सबके लिए मुरली बजा।